दोस्तों, देश में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश की जनता में से किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि कोई भी आम आदमी ऊंची पोस्ट पर बैठे लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। ये मूवी बेहद खास है, तो इसे बड़े ही ध्यान से देखना। तो कहानी की शुरुआत में किसी घर के बाहर पुलिस और मीडिया बड़ी संख्या में मौजूद थे। तभी उस भीड़ को काटते हुए ऑफिसर हा चेयून वहां पहुंची। वहां ह्युक्सु नाम का ये ऑफिसर उसे तुरंत अपने साथ ले गया। उसने हा को बताया कि कुछ किडनैपर्स ने एक घर में दो लोगों को बंदी बना लिया है और वो किडनैपर्स भागने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। अब हा को वहां इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो एक नेगोशिएटर है जो किडनैपर्स से बात करेगी और हालात को अपने काबू में लेगी। वहीं उनका कैप्टन जंग अलग ही लगा पड़ा था। वो किडनैपर्स से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किडनैपर्स इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो जंग को तो बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि बेचारा सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था। अब ये देखकर हाँ उससे मिलने गई। कैप्टन जंग उसे देखकर हैरान रह गया, मानो कि वो चाहता ही नहीं था कि हाँ यहाँ पर आए। इसके बाद हाँ उन किडनैपर्स से बात करने गई। उसने किडनैपर्स से कहा कि बाहर बहुत ज्यादा शोर है, इसलिए मुझे अंदर आकर बात करनी होगी। वो किडनैपर्स भी मान गए। अब हाँ अंदर चली गई। कैप्टन जंग ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। हाँ ने वहाँ के हालात को बारीकी से समझा। उसने किडनैपर्स से कहा कि तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम इस लड़की को मेरे साथ जाने दो, क्योंकि मुझे भी तो अपने सुपीरियर्स को जवाब देना पड़ेगा। हाँ सिचुएशन को काफी अच्छी तरह संभाल रही थी, लेकिन तभी कैप्टन जंग ने स्पेशल फोर्स को अंदर जाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद एक स्नाइपर ने उन किडनैपर्स पर गोली चलाई, लेकिन वो निशाना चूक गया और किडनैपर्स सावधान हो गए। इसलिए उन किडनैपर्स ने एक हॉस्टेज को मार दिया और दूसरा किडनैपर उस लड़की को अपनी ढाल बनाकर दूसरे कमरे में चला गया। इतनी देर में वहां पूरी फोर्स अंदर आ गई और दूसरे किडनैपर को भी मार दिया गया, लेकिन उसने मरने से पहले उस लड़की को भी मार दिया। हाँ को ये सब देखकर काफी बड़ा सदमा लगा। उसकी आंखों के सामने ही दो मासूम लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हम बैंकॉक में एक रिपोर्टर ली को देखते हैं, जो इस वक्त काफी डरा हुआ था। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो जानता था कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ली वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम मिन टेगू है। अब इन्होंने ये किडनैपिंग क्यों की, इनका मकसद क्या है, हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर हाँ नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कैप्टन जंग के पास आई। वो इस बात से बहुत दुखी थी कि उसकी आंखों के सामने दो मासूम लोगों की जान चली गई और वो कुछ नहीं कर पाई। तब जंग ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम ऐसा करो कुछ दिन की छुट्टियां ले लो और घर पर आराम करो। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो खुद छुट्टी लेकर ट्रिप पर जा रहा था। अब ऐसे ही एक दिन हाँ अपने घर पर थी। वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी। तभी ह्युक्सु हड़बड़ाहट में उसके घर आया। उसने हाँ से कहा कि फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहनो और मेरे साथ चलो, कमिश्नर ने तुम्हें बुलाया है। वो लोग एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंचे जो बहुत ही हाईटेक थी। वो दोनों ही पहली बार इस बिल्डिंग में आए थे। असल में वो नेशनल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर था, जिससे हमें पता चलता है कि ये मामला बहुत ही सीरियस होने वाला है। वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का हेड और कमिश्नर पहले से ही मौजूद था। यहाँ हाँ ये तो समझ गई कि मामला बहुत ही सीरियस है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ बताया जाता इससे पहले ही चीफ हान उसे अपने साथ ले गई। हाँ को एक क्रिमिनल से नेगोशिएट करना था। उसे एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया गया, लेकिन अभी तक उसे मामले के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ उस क्रिमिनल का वीडियो कॉल आया। वो और कोई नहीं मिन टेगू ही था। इस कॉल को वहाँ सभी लोग सुन और देख रहे थे। अब क्योंकि हाँ को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि मिन को कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए उसने मिन से सिर्फ हाय हेलो किया और फोन काट दिया। उसने कमिश्नर से कहा कि उसे इस केस की पूरी जानकारी दी जाए, वरना वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। तभी मिन का कॉल फिर से आने लगा। कमिश्नर ने इस बार चीफ हान को फोन उठाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब हान ने फोन उठाया तो उसने देखा कि कैप्टन जंग अब मिन के कब्जे में है और मिन उसे मारने की धमकी दे रहा था। इसलिए हान ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अब सिचुएशन को संभालने के लिए हाँ को बीच में आना पड़ा। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिन को अपनी बातों में उलझा रही थी, लेकिन मिन भी बहुत शातिर था, वो ये सब समझ रहा था। तब मिन ने हाँ से कहा
कि मेरा एक रूल है, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम पूरी बातचीत में मुझसे झूठ मत बोलना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मिन ने पूछा कि वहाँ सबसे बड़ा अधिकारी कौन है जो इस वक्त मुझे देख रहा है। हाँ ने कमिश्नर का नाम लिया। असल में कॉन्ग कमिश्नर से भी ऊंची पोस्ट पर था, लेकिन हाँ को उसका नाम बताने के लिए मना कर दिया गया। मिन ने भी उसकी बात मान ली। मिन ने कहा, ठीक है, मुझे अब भूख लगी है, मैं कुछ देर बाद फोन करूंगा। अब इसके बाद हाँ को इस केस की पूरी जानकारी दी गई। उसे बताया गया कि रिपोर्टर ली को कुछ दिन पहले ही किडनैप कर लिया गया था, और मिन एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। वो अपनी गैंग को बैंकॉक से कंट्रोल करता है, और हर बुरे काम में मिन का हाथ है। कैप्टन जंग को तो उसने बीच रास्ते से ही उठा लिया। मिन ने उनसे हाल ही में कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन वो उनसे चाहता क्या है उसने अभी तक नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो सिर्फ इंस्पेक्टर हाँ से बात करेगा और किसी से नहीं। उन्हें पता चला कि मिन जिस आइलैंड पे मौजूद है वो थाईलैंड के अंडर आता है, इसलिए उन्होंने वहाँ एक स्पेशल फोर्स भेजी है जो थाईलैंड की मदद से मिन को ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे, लेकिन इस ऑपरेशन को पूरा करने में लगभग 10 घंटे लगेंगे। तब तक हाँ का काम ये है कि वो मिन को अपनी बातों में उलझाए रखे। हाँ को बताया गया कि मिन एक विदेशी नागरिक है और उसकी फैमिली का अभी तक कोई पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने मान लिया कि वो एक अनाथ है। तभी वहाँ मिन ने फिर कॉल किया। हाँ ने कहा कि वो सबसे पहले कैप्टन जंग से मिलना चाहती है, वो देखना चाहती है कि वो सही सलामत हैं भी या नहीं। तब मिन ने कैमरा जंग पर फोकस किया। जंग को नशे की दवाई दी गई थी, इसीलिए वो गहरी नींद में था और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। हाँ कुछ गलत ना समझ ले, इसीलिए मिन जंग को चांटे मारकर उठाने लगा। हाँ ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहेंगी तो हम कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। मिन ने कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि देहान डेली के सीईओ यून डोंग को एक घंटे के अंदर मेरे सामने पेश करो। अब इसके बाद यून को वहाँ बुलाया गया। हाँ ने उसे समझाया कि उसे मिन से कैसे बात करनी है। हाँ ने उसे कहा कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मेरी तरफ देखना। अब इसके बाद बातचीत शुरू हुई। मिन ने उसे सबसे पहले रिपोर्टर ली से मिलवाया और उससे पूछा कि तुम अपने इस रिपोर्टर के बारे में कितना जानते हो, मुझे बताओ, जैसे कि इसने अभी तक कौन सी खबरें छापी हैं और इसके फैमिली में कौन कौन है। यून ने इन सवालों का सही सही जवाब दे दिया। तब मिन ने उससे कहा कि एक एम्प्लॉय के बारे में उसके सीईओ को इतना कुछ कैसे पता, मुझे तो लगता है तुमने ये सब पहले से ही रटा हुआ है। तब यून ने कहा कि वो दोनों अक्सर बैठकर दारू पिया करते थे। अब मिन ने चालाकी दिखाई, उसने पूछा कि चलो बताओ कि ली कितनी दारू पीता है। अब इस सवाल को सुनते ही यून थोड़ा लड़खड़ा गया, जिस पर मिन ने कहा कि अगर तुम दोनों साथ में बैठकर दारू पीते हो तो तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए। असल में मिन ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ली डेहान डेली का रिपोर्टर नहीं है। अब ये सुनते ही यून के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो समझ गया कि मिन अब उसकी पोल खोलने वाला है। तभी उनकी बातों को काटते हुए कमिश्नर बीच में बोलने लगा। उसने मिन से कहा कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, मुझे बताओ, तुम्हें सब मिलेगा, बस ये ड्रामा करना बंद कर दो। अब मिन की खोपड़ी सटक गई। उसने अपनी गन निकालकर ली के सर पर रखी और यून से कहने लगा कि जल्दी सबको सच बता, वरना अगली गोली इसके भेजे में होगी। तब यून ने कहा कि मिन जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ली मेरे लिए काम नहीं करता। हाँ को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब इस सच के सामने आते ही मिन ने एक गोली कैप्टन जंग के भेजे में उतार दी, जिसके साथ ही वहां कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर हाँ, जो अभी तक मिन से काफी प्यार से बात कर रही थी, ये देखकर वो मिन को गालियां देने लगी। तभी कमिश्नर ने कॉल को डिस्कनेक्ट करवा दिया। अब इसके बाद हाँ ने कमिश्नर से कहा कि आप सभी को ये पहले से ही पता था कि ली एक रिपोर्टर नहीं है, फिर उसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया गया, वो लोग अभी भी उसे कुछ नहीं बताते। और तो और कमिश्नर ने इस नेगोशिएशन को किसी दूसरी टीम को सौंप दिया और हाँ को उस केस से निकाल दिया। बाहर ये दोनों कार में बैठकर कैप्टन जंग की मौत का शोक मना रहे थे। तभी वहाँ चीफ हान उन दोनों से मिलने आई। उसने बताया कि ली असल में नेशनल इंटेलिजेंस का एक एजेंट है और वो मिन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए बैंकॉक गया था। ये बात मिन को ना पता चले, इसीलिए हाँ को कुछ नहीं बताया गया। हान ने उसे ये भी बताया कि मिन एक आर्म्स डीलर है, वो मशीन गन से लेकर आरपीजी तक सब बेचता है। अब इसके बाद ऑफिसर हाँ अपनी पूरी टीम के साथ थी। उसने ये फैसला किया कि वो मिन को पकड़ कर रहेगी, क्योंकि वो कैप्टन जंग की मौत को ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकती। इधर ये दूसरी नेगोशिएशन टीम के लोग मिन से नेगोशिएट कर रहे थे। उन्होंने मिन से कहा कि तुम ली को छोड़ दो और हथियार बेचना भी बंद कर दो और हम तुम्हारी सजा को कम करवा देंगे। मिन को ये डील काफी अच्छी लगी।
उसने उन दोनों को कैमरे के पास बुलाया और धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए। अब मिन ने उनकी बेइज्जती करने के बाद कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ जाकर ऑफिसर हाँ को लेकर आओ। जब उन लोगों ने ये बात मानने से इनकार किया तब मिन एक फैमिली को कैमरे के सामने लाया और उनसे कहने लगा कि ली के सिवा मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे, इसीलिए तुरंत जाओ और हाँ को लेकर आओ। अब इसके बाद वहाँ हाँ और उसकी पूरी टीम को बुलाया गया। हाँ ने वहाँ कमिश्नर से कहा कि वो अपना काम तभी करेगी जब उसे सब सच सच बताया जाएगा। अब कमिश्नर उसे कितना सच बताएगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, एक बार फिर उसकी मिन से बातचीत शुरू हुई। इस बार हाँ ने नोटिस किया कि मिन वहाँ बच्चों को रोता देख इमोशनल हो रहा था, इसीलिए उसने माँ और बच्चों को बाहर भेज दिया। ये देखकर हाँ के मन में एक ख्याल आया कि क्या मिन सच में इतना बुरा इंसान है। अब हाँ ने उससे पूछा कि तुम सिर्फ मुझसे ही क्यों बात करना चाहते हो। तब मिन ने कहा कि सबसे पहले 9 इलेक्ट्रिक के चेयरमैन कू को यहाँ बुलाओ, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। अब इसके बाद हाँ को बताया गया कि एक समय था जब कू और मिन दोनों मिलकर हथियारों की स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन बाद में कू ने मिन को धोखा दे दिया और NIS को उसके बारे में सब बता दिया, जिसके बदले में कू की सजा माफ कर दी गई। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कू उसी बिल्डिंग में मौजूद है, वही इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का खर्च उठा रहा था। उसके साथ साथ वहाँ कमांडर ऑफ एयरफोर्स, NIS डिप्यूटी चीफ, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी चीफ हुआंग जू भी मौजूद था। वो सभी मिन को लेकर बहुत ही परेशान है। अब इनके परेशान होने की असली वजह मिन के द्वारा लोगों की किडनैपिंग है या फिर कुछ और, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर ह्यूक्सू मामले की तह तक जाने के लिए यून से मिलने आया। उसको यून ने बताया कि ली को रिपोर्टर की नकली आईडी देने के लिए NIS के डिप्यूटी चीफ ने ही उसे कहा था। अब जब ह्यूक ने ये बात हाँ को बताई तो वो समझ गई कि मामला कुछ और है जो उसे अभी तक नहीं पता। खैर, अब मिस्टर कू को मिन के सामने लाया गया। कू ने मिन से कहा कि अगर ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी कंपनी का अकाउंट बंद करवा दिया था, तो मैं वो अकाउंट फिर खुलवा दूंगा, लेकिन तुम इन सभी को छोड़ दो। तब मिन ने कहा कि ऐसा करने के लिए ये भी एक वजह है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने यूनजू को क्यों मरवाया। यूनजू का नाम सुनते ही मिस्टर कू का चेहरा गू जैसा बन गया। असल में यूनजू वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले एक घर में बंदी बना लिया गया था। मिन ने हाँ से कहा कि उस दिन तो तुम वही मौजूद थी, तो कू को बताओ कि मैं सच कह रहा हूँ। मिन ने यह भी कहा कि वो कोई छोटी मोटी चोरी का केस नहीं था, वहाँ कुछ पेंटिंग्स भी मौजूद थी जो अब वहाँ नहीं है और किसी को भी उन पेंटिंग्स के मालिक के बारे में नहीं पता। तब मिन ने हाँ को बताया कि उनमें से एक तो तुम्हारे साथ ही बैठा है, बल्कि कू उन पेंटिंग्स का अकेला मालिक नहीं है, उसके साथ और भी लोग शामिल हैं। मिन ने बताया कि उसने खुद ही यूनजू को जॉब के लिए कू से मिलवाया था ताकि वो उनकी जासूसी कर सके। असल में कू के साथ साथ NIS डिप्यूटी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी चीफ और कमांडर ऑफ एयरफोर्स, ये सभी करप्ट लोग थे। उन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर जनता को खूब लूटा। जनता के हक के पैसों से वो खुद अमीर होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ब्लैक मनी कुछ पेंटिंग्स में इन्वेस्ट की थी ताकि वो पकड़े ना जाएं। उन हर एक पेंटिंग की कीमत लगभग 10 बिलियन वॉन थी। उन सभी का पर्दाफाश करने के लिए मिन ने वहाँ एक रिकॉर्डिंग भी पेश की जिसमें उन सभी लोगों की करप्शन से जुड़ी बातें रिकॉर्ड थीं। वो बातें कर रहे थे कि देश में नए फाइटर प्लेन्स की जगह पुराने फाइटर प्लेन्स लाए जाएं, क्योंकि जनता तो भोली है, उन्हें नए और पुराने का फर्क नहीं दिखेगा और बचे हुए पैसे हम आपस में बांट लेंगे। अब ये सुनने के बाद हाँ को सब समझ आने लगा था, लेकिन हाँ के अनुसार एक रिकॉर्डिंग को कोई खास सबूत नहीं माना जाता, खास करके ऐसे केस में। अब ये सुनते ही मिन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हुआंग जू को एक घंटे में मेरे सामने पेश करो। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि मिन उन सभी को एक एक करके लपेटेगा, साथ ही वो अब हमारी नजरों में विलन से हीरो बन गया। इधर कू जब उस कमरे में वापस गया तो हुआंग जू ने सभी से कहा कि जब तक आर्मी मिन को मार नहीं देती और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए कॉन्ग ने ऑफिसर हाँ से जाकर कहा कि चीफ हुआंगजू अभी प्रेसिडेंट के साथ बिजी हैं, वो नहीं आ सकते। तभी हाँ को ह्यूक्सू का फोन आया। उसने बताया कि कैप्टन जंग उन लोगों से मिला हुआ था, उसने रिश्वत ली थी और इसीलिए उस दिन जंग ने बिना जरूरत के ही स्पेशल फोर्स को अंदर जाने का ऑर्डर दे दिया ताकि उसकी पोल खुलने से बच जाए। अब हाँ ने मिन को जाकर बताया कि हुआंग अभी बहुत बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, लेकिन मिन जानता था कि वो कहीं छुपा हुआ है। हाँ ने मिन से कहा कि तुम जिन लोगों से लड़ना चाहते हो इस तरह तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकते, तुम मुझे उन सभी के नाम बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ,
मैं युनजू के केस को रीओपन करूंगी और उसे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी। इन्हीं बातों के बीच वहां सभी को पता चला कि ये नेगोशिएशन टीवी और इंटरनेट पर लाइव चल रही है, जिसे पूरी जनता देख रही है। उन्हें पता चला कि ये लाइव स्ट्रीम किसी थाईलैंड के सर्वर से हो रही है। जब ये बात हुआंगजू को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला होने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके काले कारनामों के किस्से जनता तक पहुंचे। अब वहां मिन हां पर भड़क गया, क्योंकि हां ने उससे झूठ कहा था कि कू से पूछताछ चल रही है, जबकि ऐसा नहीं था। अब मिन ने आखिरी वार्निंग दी कि हुआंगजू को एक घंटे में यहाँ नहीं लाया गया तो वो हर 10 मिनट में एक हॉस्टेज को मार देगा, और शुरुआत वो ली से करेगा। इधर हियुक्सु युनजू के बारे में छानबीन करते हुए एक अनाथ आश्रम में पहुंचा, जहां युनजू का बचपन बीता था। वहां उसे पता चला कि मिन टेगू और युनजू दोनों सगे भाई बहन हैं। इधर ये स्पेशल फोर्स उस आइलैंड पर पहुंच चुकी थी जहां इस वक्त मिन मौजूद था। वो लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। इस ऑपरेशन के बारे में अभी तक मिन को कुछ नहीं पता। अब मिन का दिया हुआ एक घंटा पूरा हो चुका था, लेकिन हुआंगजू वहां नहीं आया, इसलिए मिन ने एक हॉस्टेज की बॉडी पर बॉम्ब लगा दिया। अब वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जब हां ने ये देखा तो वो तुरंत कैप्टन के पास गई और स्पेशल फोर्स को अंदर जाने से रुकवा दिया, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से वो सभी मासूम लोग मारे जाते। हुआंगजू जो ये सब देख रहा था, उसे उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं थी। उसने कमांडर से कहा कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करो। अब कमांडर ने कैप्टन को ऑर्डर दिया। ऊपर से ऑर्डर आने की वजह से कैप्टन ने भी अपनी टीम को अटैक करने के लिए कहा। हाँ बेचारी उन्हें चीख चीख कर रुकने के लिए कहती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तभी मिन के अड्डे पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। उन सभी को यही लगा कि मिन ने हॉस्टेजेस के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लिया। हाँ ने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म होगा। वो बैठी ही थी तभी उसकी नज़र फ्रीज हुई कंप्यूटर स्क्रीन पर गई, जिससे उसे कुछ समझ आया और उसने सभी को तुरंत बताया कि मिन अभी भी जिंदा है। उसने बताया कि इस वक्त थाईलैंड में 5 बजे थे और सूरज भी नहीं डूबा था, लेकिन इस फोटो में सूरज डूब चुका है और कोरिया का टाइम थाईलैंड के टाइम से 2 घंटे आगे है, इसलिए कोरिया में सूरज डूब चुका है, जिसका मतलब है कि मिन कोरिया में ही मौजूद है। इधर हियुक्सु उस अनाथ आश्रम की एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा। अभी तक मिन वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसने जाने से पहले ली को मार दिया। इधर ये चारों मिन की मौत का जश्न मना रहे थे। कॉन्ग उन्हें बार बार फोन कर रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा खुश थे कि उनमें से किसी ने कॉन्ग का फोन नहीं उठाया। इधर मिन अपने साथियों के साथ उस नेशनल सिक्योरिटी की बिल्डिंग तक आ गया, लेकिन इसके आगे मिन ने अकेले ही जाने का फैसला किया। इधर हां को हियुक्सु का फोन आया। उसने बताया कि मिन कोरिया में ही मौजूद था, लेकिन वो 1 घंटे पहले यहां से निकल गया। उसने ली को छोड़कर किसी भी हॉस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब हां ये समझ गई कि मिन उन सभी लोगों को मारने के लिए गया होगा। उसने कॉन्ग से पूछा कि हुआंगजू इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मिन उसे मारने वाला है। इधर मिन सभी गार्ड्स को मारता हुआ उस कमरे में पहुंचा। उसने अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगाया हुआ था। मिन ने जाते ही सबसे पहले कू को गोली मारी और फिर बातचीत शुरू की। इधर मिलिट्री की एक फोर्स उस बिल्डिंग तक आ चुकी थी। वहां वांगजू ने मिन से डरते हुए पूछा कि हम लोगों को माफी कैसे मिल सकती है। तब मिन ने कहा कि ये तो तुम्हें युनजू से ही जाकर पूछना पड़ेगा। तभी वहां हां पहुंच गई। उसने कहा कि मुझे पता है कि वो तुम्हारी बहन थी, और इन सभी लोगों का सच मैं दुनिया के सामने खुद लाऊंगी, लेकिन तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मिन बहुत इमोशनल हो गया। उसने हां को बताया कि वो खुद भी युनजू की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने अपने बिजनेस के फायदे के लिए युनजू को वहां जरूरी फाइल्स चुराने के लिए भेजा था। वो तो अपना काम ही कर रही थी और मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। तभी हां ने देखा कि एक स्नाइपर मिन पर निशाना लगा रहा था, तब उसे बचाने के लिए वो बीच में खड़ी हो गई। मिन ने कहा कि तुम मुझ जैसे इंसान को क्यों बचाना चाहती हो, तुम बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मिन ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है। वो ये कहकर उन सभी को मारने वाला था कि तभी स्नाइपर की एक गोली मिन के भेजे के आर पार हो गई और एक ही पल में मिन की मौत हो गई। जब फोर्स अंदर पहुंची तो उन्होंने बताया कि मिन के शरीर पर लगा बॉम्ब एक्टिवेट नहीं था। यहाँ हां को मिन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे पता था मिन देश में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो, लेकिन उसका इरादा नेक था। इसी को ध्यान में रखते हुए वो हुआंगजू के पास गई और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें युनजू की हत्या करने, गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई और सरकार को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। अब हमारी मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हां को मिन के बॉडी के पास वो पेन ड्राइव मिली थी, जिसमें उन सभी के काले कारनामों का सबूत था।
हाँ ने उसे कोर्ट में पेश करके उन सभी को लंबे समय के लिए अंदर करवा दिया, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों अगर मैं इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।